अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, लोग कारोबार चलाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, लोग कुछ फ़ायदे के लिए कितना लोगों को धोखा देते हैं। एक तस्वीर पुराने शहर की है जहां पर जुमेरा नामी एक होटल चलती है, लेकिन वो टारगेट में आ गई थी पुलिस की, क्योंकि चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में ये होटल रहती है और देर रात गए। यहाँ पर हुजूम रहता है लोगों का और दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर खाना खाते हैं, लेकिन हाल ही में रेडा पड़ने के बाद जुमेरा को जोया कन्वेंशन कर दिया गया है, यानी अब इसको शादी खाना बना दिया गया है। जब भी कोई लोग आएंगे तो शादी खाना है, 24 घंटे खाना खाते रहते हैं। अब ये बात को देखते हुए, अब जाहिर सी बात है, जहाँ कहीं भी अगर आप होटल चलाते हैं तो लोकल पुलिस को आप मामूल देते हैं, और कोई भी अगर रेड पड़नी होती है तो लोकल पुलिस की जानिब से कोई ना कोई आपका इन्फॉर्मर होता है, आपको इत्तला दे देता है, क्योंकि उसको आपकी जानिब से रुपये दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कल रात में बल्लागोड़ा पुलिस की जानिब से कॉटन सर्च किया गया और मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट किया गया, जिसमें ये जुमेरा होटल भी थी। जब इनके ओनर्स को पकड़ा गया तो ये लोग पेपर बता रहे हैं कि हमको परमिशन है होटल में कोई दाखिल ना हो, होटल को कोई बंद ना करे। अब ऐसे भी परमिशंस, ऐसे भी ऑर्डर्स निकालने लगे हैं जो देर रात गए, डेढ़ बजे रेड मारी है पुलिस ने और डेढ़ बजे तक, दो बजे तक, तीन बजे तक होटल चल रहे हैं। ये एक होटल नहीं, हमारे हैदराबाद में कई ऐसे होटल्स हैं जो खुलेआम चला रहे हैं, सारे लोगों को पता होता है, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ये लोग भी जानते हैं कि कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन बल्लागोड़ा पुलिस ने जब छापा मारा, पेपर्स देखने के बाद सारे लोगों को पकड़ा और जितने भी लोग होटल से निकल रहे थे उनको पूछा कि क्या आप शादी खाने में आए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम होटल में आए हैं, 300 रुपये देकर खाना खाने आए हैं। तमाम लोगों के डिटेल्स लिए गए। नाज़रीन, इस तरह से झूठ बोलकर, धोखा देकर इस तरह से कारोबार कराना कितनी अफसोस की बात है। आपको जो टाइम दिया गया वो टाइम पर आप काम करें। इसके अलावा पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर बल्लागोड़े ने कहा कि जिस तरह से लोग देर रात बैठे हुए रह रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करे हुए हैं, अगर केस दर्ज होगा तो जॉब नहीं मिलेगा। कोई लोग पासपोर्ट को अप्लाई करे हुए हैं, केस होगा तो पासपोर्ट में मुश्किल होगी। कोई लोग रिश्ता देख रहे हैं, केस होगा तो भी रिश्ता नहीं होगा। ऐसे कई मसले मसाइल हैं। आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ छोटा केस होगा तो क्या होगा, लेकिन ये छोटा केस कल के लिए आपको बड़ा हो सकता है, बड़े परेशानियों में डाल सकता है। इसीलिए सारे लोग बिना वजह घर के बाहर ना निकले, घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, और इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए पुलिस संजीदा हो चुकी है, ऐसा बल्लागोड़ा इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा। तकी रहमान की रिपोर्ट। नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, नाम लिखो, पर्टिकुलर लिखो। टेन मेंबर्स के लिखो। खाली है, फंक्शन को है, कितना पेमेंट कितना करें? 300, 300, कितने लोगों के लिए? कौन सी होटल है? जुमेरा। इनका लिखो। बोलो, आप बोलो, पहले बोलो मेरे को, चेक कर लो ना। अरे आप बोलो जी पहले, क्या है क्या है क्या है? ये बिजनेस है, बिजनेस में पुलिस का इंटरफेयर नहीं है। क्या है ये, क्या है? हमको भी बताओ।
कौन है आप? कौन है? मेरा फंक्शन हॉल है, फंक्शन हॉल मेरा है। चलो हिंदू बुला आपका नाम ला रहे थे आप फंक्शन पाए कितना अमाउंट कितना पे करेंगे? अमाउंट कितना पे करें? 100 रुपये। क्या होटल? होटल का नाम क्या है? जुमेरा। ये अलग दिख रहा है, क्यों है पास? फंक्शन किसका चल रहा बताओ? फंक्शन बताया तो किसका बताओ? आओ बोलो फंक्शन किसका चल रहा, आओ बोलो। हेलो मैं आप मेरे फंक्शन किसका चल रहा बताओ? पेपर लेके आता हूँ। नहीं बताओ फंक्शन किसका चल रहा, दिखाओ। बंदा नहीं है उसका, फंक्शन नहीं है। बैठा ही उनको पेपर दे दे। बेटा आप दे दे पेपर दे दे, आप दिखाए ना पुलिस को पेपर। चलो चलो गाड़ी को रखने में उधर निकलवा दीजिए। हाँ सर बंद नहीं करना है जी। राव जी राव क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ रहते हैं आप? कितने बजे कितना है यहाँ पे प्राइस? प्राइस कहाँ है? दोस्त कहाँ है? दोस्त इधर इधर तुम बात कर। तुम जाओ तुम चलो। कहाँ है दोस्त? इधर लो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समीर। कौन है? आप जब उसे जब एंटर कर दो क्या है प्राइस? 300 पर प्लेट। पर प्लेट कितने लोग हैं आप लोग? आप दो जने। कितना प्लेट? पैसे दे दिए, पे कर दिए। कैसा है सिस्टम? पहले पे करना? पहले पे कहाँ पे पे करना? ऑनलाइन पे करना है। ऑनलाइन पे करना यहाँ पे? हाँ पहले पे करो। देते ऑनलाइन पेमेंट करे तो ना टोटो करा देते। अच्छा ऑनलाइन पेमेंट किधर करते? वो नहीं है उन्हों नहीं यहाँ पे करते। आप के साथ चले? हाँ ये छः चंदर इच मैं करो तो देते जी। कोई फंक्शन को तो नहीं है ना? नहीं फंक्शन के साथ इसका फंक्शन अटेंड कर रहे हैं आप? नहीं आप जस्ट ऐसा कस्टमर के कस्टमर इधर आओ। आप कितने लोग हैं? आप लोग कैसा फंक्शन वालेगा कुछ? 300 फंक्शन को आया जस्ट कैसा मतलब कस्टमर लाइक कस्टमर कितने लोग? आप आता आता कितने लोग हैं? क्या नाम है? आ रहे थे फंक्शन को आया खाना कितने बजे? ग्रामीण चलो हसन अरे फंक्शन को आए कुछ फंक्शन को आए कितने लोग? 300 आपका नाम फंक्शन को है कितने लोग हैं? 500 प्लेट 300 रुपये में दो जने कैसा है सिस्टम? 1/2 नहीं मतलब कैसे पेमेंट कितना भी खाए अनलिमिटेड टू मेंबर्स कितने पैसे टू मेंबर्स? 300 चलो फंक्शन में है? फंक्शन में आया खाने के लिए। कितना कितने लोग हैं? 4 कौन सा है क्या क्या नाम है होटल का? सूर्य कन्वेंशन तो है लिखे हुआ। हाँ एक्चुअल किस क्या क्या नाम से बुलाते हैं?
कितने लोग आए? चार लोग। कहाँ रहते हो? दिल्ली में। कितने बजे? अभी आके खत्म हो गया मैं हमारा। डेढ़ बज रहा ना मेरे यहाँ। देख रहा ना? आप भी? अभी भाई गए ना उन लोगों के साथ कितने हम लोग? अपने यहाँ जी? हम लोग। आज हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब श्री सी वी आनंद साहब आईपीएस और हमारे डीसीपी साउथ ईस्ट जोन श्री सी एच रूपेश आईपीएस साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम आज रात चंद्रनगुट्टा डिवीज़न पुलिस चंद्रनगुट्टा डिवीज़न में यानी बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स पटेल नगर मोहम्मद नगर गौस नगर मुमताज़ बाग टीली दरगाह और चंद्रनगुट्टा बारकस सलाला और कंचनबाग लिमिट्स में खसूसी कॉलोनीज़ में आज गार्डन सर्च गार्डन ऑपरेशन किए हैं। इस गार्डन ऑपरेशन का यही मकसद है कि कोई भी रात में कोई भी रोडों पे बिला वजह ना घूमें और बिला वजह ना बैठें, क्योंकि ये विदाउट रीज़न अगर बैठने से ये ऑफेंस में आता अगर क्रिमिनल केसेस इन पे बुक किए जाएंगे, अगर एक से दो बार क्रिमिनल केसेस बुक किए जाएंगे तो और शीट्स भी ओपन करने का अंदेशा है। उसी के साथ साथ अगर कोई नौजवान लड़के अपने एजुकेशन के बाद कोई जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिनारियों में हर छोटी कंपनी भी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए पुलिस को सर्टिफिकेट देने के लिए पूछ रहे हैं। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में है तो उनको एडवर्स रिमार्क्स देना पड़ता, इसलिए उनको जॉब मिलने का भी चांस नहीं रहता। उसी के साथ साथ वो पासपोर्ट इशू, अगर पासपोर्ट इशू नहीं हुआ पासपोर्ट इशू में भी उनको प्रॉब्लम हो सकता। ये करियर के साथ साथ अगर रातों में घूमना रातों में फिरना इससे अपने हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि अगर रात में देर तक घूमें तो सुबह में उठने में और दिक्कत होगी और अपने वर्क पे भी कॉन्सनट्रेट सही नहीं कर सकते। इसलिए आप मीडिया से हम पुलिस नौजवानों और पब्लिक को अपील है कि बिला वजह रातों में ना घूमें और ना तो रातों में ना बैठें। और इसी के साथ साथ ओल्ड सिटी में तकरीबन लोग शौक़ के तौर पे ये नाइफ्स चाकू जाम्बिया कैरी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई भी हमारे सर्च में और इन्फॉर्मेशन अगर आया कोई भी कैरी कर रहे बोल के तो आर्म्स एक्ट में केसेस बुक होंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये कौन से एरियाज में क्या करेंगे जी? एरियाज आज करें सो भाई आज करें ये अपना बंडलागुड़ा लिमिट्स में पटेल नगर मोहम्मद नगर गौस नगर मुमताज़ बाग पीली दरगाह सनानगुट्टे में बारकस सलाला और कंचन बाग में तकरीबन कॉलोनीस में हम गार्डन सर्च किए गार्डन ऑपरेशन किए।